बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो यूनिवर्सिटी ऑफ झांग के एडमिशन फॉल 2023 के रिलेटेड है। यूनिवर्सिटी ऑफ झांग में एडमिशन फॉल 2023 जो है वो स्टार्ट हो चुके हैं। एडमिशन जो है बेसिकली अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम्स में, पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम्स में ओपन है। एडमिशन के लिए अप्लाई करने की जो लास्ट डेट है वो 29 सितंबर 2023 है। अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम्स में गर्ल्स ओनली प्रोग्राम्स और को एजुकेशन प्रोग्राम्स जो है वो ऑफर किए जा रहे हैं। गर्ल्स ओनली प्रोग्राम्स में बीबीए प्रोग्राम, बीएस बायोटेक्नोलॉजी, बीएड 1.5 ईयर, बीएड ऑनर्स, बीएस इकोनॉमिक्स, बीएस मैथमेटिक्स, बीएस इस्लामिक स्टडीज, बीएस उर्दू, बीएस साइकोलॉजी, बीएस इंग्लिश लैंग्वेज एंड लिटरेचर, बीएस टेक्सटाइल डिज़ाइन, विजुअल आर्ट्स, मैथ कम्युनिकेशन, जियोलॉजी स्टडीज़, इसके अलावा कंप्यूटर साइंस जो है वो ऑफर किए जा रहे हैं। जबकि गर्ल्स और बॉयज़ दोनों के लिए जो है वो बीबीए प्रोग्राम, बीएस बायोकेमिस्ट्री, बीएस केमिस्ट्री, बीएड 1.5 ईयर, बीएड ऑनर्स, बीएस माइक्रोबायोलॉजी, बीएस मैथमेटिक्स, बीएस सोशियोलॉजी, उर्दू, फिजिक्स, मैथ कम्युनिकेशन, इंग्लिश लैंग्वेज एंड लिटरेचर, जूलॉजी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और इन्वायरमेंटल साइंसेज जो है ये ऑफर किए जा रहे हैं। जबकि एमफिल प्रोग्राम्स में एमफिल बायोकेमिस्ट्री, एमफिल इन्वायरमेंटल साइंसेज, एमफिल एजुकेशन, एमफिल इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, मैथमेटिक्स, माइक्रोबायोलॉजी, मैनेजमेंट साइंसेज, सोशियोलॉजी, साइकोलॉजी और जूलॉजी में ओपन है। अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम्स के लिए कोई एडमिशन टेस्ट नहीं है। एडमिशन जो है बेसिकली ओपन मेरिट बेस के ऊपर होगा, मींस के आपके एफएससी और मैट्रिक के मार्क्स की बेस के ऊपर आपका एडमिशन जो है वो होगा। जबकि एमफिल प्रोग्राम्स के लिए जो एंट्री टेस्ट है वो 1 अक्टूबर 2023 को कंडक्ट किया जाएगा और एमफिल प्रोग्राम्स के लिए जो इंटरव्यू है वो 3 अक्टूबर 2023 को जो है वो कंडक्ट किया जाएगा। अप्लाई करने की जो फीस है वो 500 रुपीज़ है। अप्लाई करने के लिए अपने सबसे पहले यूनिवर्सिटी ऑफ झांग की मेन वेबसाइट जो है इसे ओपन करेंगे। इधर आपको ऑप्शन शो हो रहा है एडमिशन का, एडमिशन के ऑप्शन के ऊपर क्लिक करेंगे और फीस स्ट्रक्चर के ऑप्शन के ऊपर आप क्लिक करेंगे। सबसे पहले आप जिस भी प्रोग्राम में अप्लाई कर रहे हैं आपने उसका जो फीस स्ट्रक्चर है वो लाजमी चेक करना है। फॉर एग्जाम्पल बैचुलर 4 ईयर साइंस प्रोग्राम, जितने भी साइंस प्रोग्राम्स हैं जिसमें मैथमेटिक्स, स्टैट, बायोकेमिस्ट्री, इन्वायरमेंटल साइंसेज, माइक्रोबायोलॉजी, जूलॉजी है, इनकी फर्स्ट सेमेस्टर की फीस जो है वो 25,670 रुपीज़ है। जबकि सेकंड सेमेस्टर की फीस 20,900 रुपीज़ है और टोटल डिग्री की जो फीस है वो 1,80,070 रुपीज़ है, ठीक है। जबकि नॉन साइंस प्रोग्राम्स की टोटल 4 ईयर की फीस जो है वो 1,52,990 रुपीज़ है। जबकि प्रोफेशनल प्रोग्राम्स जिसमें बीबीए प्रोग्राम जो है वो इंक्लूड होगा, इसकी फीस जो है वो 2,42,810 रुपीज़ है। जबकि बीएस कंप्यूटर साइंस और बीएस आईटी की जो फीस है फर्स्ट सेमेस्टर की वो 37,180 रुपीज़ है और टोटल डिग्री की जो है 4 ईयर की फीस 2,81,020 रुपीज़ है। इसके बाद आपने फीस स्ट्रक्चर जो है चेक करने के बाद एडमिशन के ऑप्शन के ऊपर आएंगे। इधर आपको ऑप्शन शो हो रहा है अप्लाई नाउ का, इस ऑप्शन के ऊपर आप क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद इधर आपको अप्लाई ऑनलाइन का लिंक जो है वो शो हो रहा है, इस ऑप्शन के ऊपर आप क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद स्क्रॉल डाउन करने के बाद इधर आपको ऑप्शन शो हो जाएगा अप्लाई नाउ का, इस ऑप्शन के ऊपर आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने यूनिवर्सिटी ऑफ झांग का एडमिशन पोर्टल जो है वो ओपन हो जाएगा। सबसे पहले जो है आपने अपना अकाउंट रजिस्टर करना है, साइन अप के ऑप्शन के ऊपर क्लिक करेंगे, अकाउंट रजिस्टर करेंगे पोर्टल के ऊपर। सबसे पहले योर ईमेल एड्रेस जो है अपने अपना वो इंटर करना है, नेम जो है अपना वो इंटर करेंगे, पासवर्ड इंटर करना है, पासवर्ड को कन्फर्म करेंगे और मोबाइल नंबर जो है आपने वो इंटर करना है और साइन अप के ऑप्शन के ऊपर क्लिक करना है। अकाउंट जो है वो क्रिएट करने के बाद आपने जनरेट वाउचर के ऑप्शन के ऊपर आप क्लिक करेंगे, अपना वाउचर जो है आपने वो जनरेट करना है। सबसे पहले स्टूडेंट नेम जो है आपने वो इंटर करना है, फादर नेम इंटर करेंगे, फ़ोन नंबर आपने इंटर करना है, CNIC या बेफोम नंबर आपने इंटर करना है और कैंपस जो है आपने वो सिलेक्ट करना है कि आप कॉलेज ऑफ आर्ट्स एंड साइंस गर्ल्स ओनली कैंपस में अप्लाई कर रहे हैं या यूनिवर्सिटी ऑफ झांग को एजुकेशन में अप्लाई कर रहे हैं। ये सिलेक्ट करने के बाद आपने डिपार्टमेंट जो है अपना वो सिलेक्ट करना है। इसके बाद प्रोग्राम जो है जिस प्रोग्राम में आप अप्लाई कर रहे हैं वो सिलेक्ट करेंगे और जनरेट वाउचर के ऑप्शन के ऊपर आपने क्लिक करना है। वाउचर जो है वो जनरेट करने के बाद आपने वाउचर को प्रिंट कर लेना है और किसी भी बैंक ऑफ पंजाब की ऑनलाइन ब्रांच में जो है फीस सबमिट करवा सकते हैं जो कि 500 रुपीज़ की है। फीस जो है वो सबमिट करवाने के बाद अपने अकाउंट को जो है वो लॉगिन करना है। लॉगिन करने के बाद जो है अपने पर्सनल इन्फॉर्मेशन जो है अपनी वो इंटर करनी है। सबसे पहले अपने कैंपस जो है वो सिलेक्ट करना है, जो जिस प्रोग्राम में आप अप्लाई कर रहे हैं, यूनिवर्सिटी ऑफ झांग में अप्लाई कर रहे हैं या कॉलेज ऑफ आर्ट्स एंड साइंस में अप्लाई कर रहे हैं। सिलेक्ट करने के बाद अपने डिपार्टमेंट जो है अपना वो सिलेक्ट करना है। फॉर एग्जांपल मैं कंप्यूटर साइंस एंड आईटी सिलेक्ट करता हूँ। इसके बाद अपने प्रोग्राम जो है अपना वो सिलेक्ट करना है और कोटा जो है अपने वो सिलेक्ट करना है। ओपन मेरिट बेस के ऊपर आप अप्लाई कर रहे हैं, ओवरसीज पाकिस्तानी, आज़ाद जम्मू कश्मीर की सीट्स के ऊपर अप्लाई कर रहे हैं, डिसेबल्ड पर्सन, जिस कोटा की बेस के ऊपर आपने अप्लाई करना है आपने उसे वो सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के बाद आपने फुल नेम जो है अपना वो इंटर करना है, अपनी प्रोफाइल पिक्चर जो है आपने वो अपलोड करनी है, डेट ऑफ बर्थ जो है आपने वो इंटर करनी है,
इसके बाद आपने ईमेल एड्रेस जो है अपना इंटर करना है, इसके बाद मोबाइल फ़ोन नंबर जो है वो इंटर करेंगे, CNIC नंबर आपने इंटर करना है और CNIC की पिक्चर जो है आपने वो अपलोड करनी है, इसके बाद फादर की इंफॉर्मेशन जो है वो इंटर करनी है। अगर आपके फादर अलाइव हैं तो आप यस के ऑप्शन के ऊपर क्लिक करेंगे, अदरवाइज नो के ऑप्शन के ऊपर क्लिक करेंगे। फादर का नेम जो है आपने वो इंटर करना है। इन केस अगर आपके फादर की जो डेथ हो गई है तो आपने गार्डियन का नेम जो है आपने वो इंटर करना है। CNIC नंबर जो है फादर का वो इंटर करेंगे। फादर का ऑक्यूपेशन जो है वो इंटर करना है। फादर का मंथली इनकम जो है वो आपने इधर इंटर करनी है, और गार्डियन अगर आपका कोई है तो गार्डियन की इनकम जो है आपने वो इंटर करनी है इधर। इसके बाद आपने पोस्टल इन्फॉर्मेशन जो है अपनी वो इंटर करनी है। जिप कोड सबसे पहले सिटी का वो इंटर करेंगे, कंट्री जो है आपने वो सिलेक्ट करना है इधर। इसके बाद आपने सिटी जो है वो इंटर करना है, और इसके बाद एड्रेस जो है आपने वो इंटर करना है। इसके बाद बैंक इन्फॉर्मेशन जो है आपने वो इंटर करनी है कि कौन सी बैंक में जो है आपने फीस सबमिट करवाई है। बैंक का नेम जो है आपने वो इंटर करना है। ब्रांच कोड बैंक का आपने इंटर करना है। अमाउंट पेड जो है 500 रुपीज़ आपने वो इधर इंटर करना है। वोचर का नंबर जो है आपने वो इंटर करना है, और जो पेड चलान की पिक्चर है वो आपने इधर अपलोड करनी है। इसके बाद आपने अपनी एकेडमिक इन्फॉर्मेशन जो है वो इंटर करनी है। मैथ के मार्क्स जो है आपने वो इंटर करने हैं, इंग्लिश के मार्क्स इंटर करेंगे, फिजिक्स या स्टैट अगर आपने पढ़ा है तो उसके मार्क्स इंटर करने हैं, अगर कंप्यूटर या केमिस्ट्री पढ़ा है तो उसके मार्क्स जो है आपने वो इधर इंटर करने हैं। और नीचे जो है आपने मैट्रिक की इन्फॉर्मेशन जो है सबसे पहले इंटर करनी है। डिग्री का नेम जो है आपने सबसे पहले वो इंटर करना है। इधर आप इंटर करेंगे मैट्रिक, टोटल मार्क्स मैट्रिक के इंटर करने हैं। उसके बाद मार्क्स ऑब्टेंड जो है आपने वो इंटर करने हैं। CGPA या मार्क्स जो है परसेंटेज जो है उनकी आपने वो इंटर करनी है। ईयर ऑफ पासिंग मैट्रिक का आपने वो इधर इंटर करना है। बोर्ड कौन से मैट्रिक पास की है आपने वो इंटर करना है। मेजर सब्जेक्ट्स वो आपने इधर इंटर करना है, साइंस में किया या आर्ट्स में किया। इसके बाद मैट्रिक के रिजल्ट कार्ड की पिक्चर जो है आपने वो अपलोड करनी है। इसी तरह जो है आपने अपने FSC की इन्फॉर्मेशन जो है वो इंटर करनी है, और सबमिट के ऑप्शन के ऊपर आप क्लिक करेंगे। सबमिट के ऑप्शन के ऊपर क्लिक करने के बाद आपको एप्लीकेशन नंबर जो है वो रिसीव हो जाएगा, और आपकी एप्लीकेशन जो है सक्सेसफुली सबमिट हो जाएगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन काइंडली सब्सक्राइब अवर चैनल।